क्वेश्चन नंबर 41 मिनिस्टर क्वेश्चन नंबर 41 मिस्टर मिनिस्टर इन जीरो आवर नॉट डाउन प्लीज प्लीज उत्तर सभा पटल पर रखा गया सभा पटल पर उत्तर रखा गया मैडम देर इज ए मैडम इन आवर कंट्री देर इज ए ह्यूज गैप बिटवीन एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट आई एम सॉरी ऐसे मैं कुछ नहीं समझ पा रही हूँ यू गो टू योर सीट व्हाट एवर यू वॉन्ट टू से इन जीरो आवर आई विल अलाउ नो मैडम इन आवर कंट्री देर इज ए ह्यूज गैप बिटवीन एजुकेशन एम्प्लॉयबिलिटी एंड एम्प्लॉयमेंट By observing this, our Prime Minister has started a new department that is skill development and entrepreneurship, madam. Madam, and also government has launched the flagship program, Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana. As we know, madam, it is a skill certification and reward scheme. Individuals are getting training and they are getting certificate and also monetary reward through direct bank transfer. Madam, this scheme has the target to benefit 24 lakh persons across the country, madam. In all over India, comparing 24 lakhs, very small numbers are trained last year, madam. Madam, हमारे सरकार ने अच्छे कदम उठाए मैडम बट इसी दिशा में हम बहुत दूर जाना है आपके माध्यम से मैं मंत्री जी से पूछना चाहती हूँ वो 24 लाख के लक्ष्य को पूरा करने के लिए हमारे सरकार में क्या विचार है और हर जिला में ट्रेनिंग सेंटर खोलने के लिए हमारे सरकार के पास विचार है क्या अध्यक्ष महोदय तो माननीय सदस्य का सवाल था वो मूल रूप से फ्लेक्सी एमएमएस के लिए था और जो उन्होंने प्रश्न किया है वो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना से हम सदन को सिर्फ इस बात की जानकारी देना चाहेंगे कि सबसे पहले जो फ्लेक्सी एमएमएस की बात है ये आईटीआई से जुड़ा हुआ है और आईटीआई में एक ऐसा प्रावधान किया गया है जिसमें इंडस्ट्री डीजीटी के अनुमति से अपना कोर्स करिकुलम बना करके और इंडस्ट्री अपने आप उसकी ट्रेनिंग दे वो फ्लेक्सी एमओयू के बारे में सवाल था इसका उत्तर सभा पटल पर रख दिया गया है जहाँ तक माननीय सदस्य ने सवाल पूछे हैं प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत देश के प्रधानमंत्री ने इस योजना को बड़े पैमाने पर लॉन्च किया है और जो माननीय सदस्य का एक सवाल है कि क्या आप देश भर में इसका जाल बिछाना चाहते हैं मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि प्रत्येक संसदीय क्षेत्र में एक मॉडल स्किल सेंटर की स्थापना की जाएगी जिसका स्वरूप तैयार हो गया है और हाल फिलहाल उसको प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत 12,000 करोड़ रुपए की स्वीकृति देश के प्रधानमंत्री ने कैबिनेट में दिया है हम पूरे देश में और प्रत्येक संसदीय क्षेत्र में आने वाले 6 माह के भीतर प्रत्येक जिला और संसदीय क्षेत्र में हम एक मॉडल स्किल सेंटर की स्थापना करेंगे जिसमें मोबिलाइजेशन से लेकर के प्रशिक्षण के मानक से लेकर के सर्टिफिकेशन से लेकर के और साथ साथ उसे रोजगार दिलाना और या तो उसे स्वरोजगार से जोड़ना महोदय इसमें सबसे बड़ा प्रमुख विषय यह है कि आज हम जब 40 करोड़ लोगों की बात करते हैं जो असंगठित क्षेत्र में है उसमें एंट्री लेवल जॉब्स की ट्रेनिंग की बात बार बार आती है और वो ऐसे लोग हैं जिनकी आमदनी बहुत कम होती है वैसे लोगों की पहचान करना गरीब किसान मजदूर नौजवान बेरोजगार दिव्यांग ऐसे लोगों की पहचान करना उनको हाथ पकड़ करके ऐसे सेंटर पर ले जाना और उनको वो कौशल देना जो उनकी आय को बढ़ा सके उनके गुणवत्ता को बढ़ा सके और समाज में अपनी एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ा सके तो एक बहुत बड़ी योजना है और इसकी रूपरेखा भी तैयार है पहले जो कठिनाइयां थी PMKVY1 में उसे खत्म कर दिया गया है अब प्रत्यक्ष रूप से पूरे भारतवर्ष में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का जो जाल बिछाया जाएगा वो प्रत्यक्ष रूप से दिखेगा भी और सभी माननीय सांसदों को एक एक केंद्र जो उनके जिला में स्थापित किया जाएगा उससे जोड़ा जाएगा एक मेन सेंटर होगा और बाकी सारे हब्स होंगे उस हब और स्कोप के पॉलिसी पर हम इसको विस्तार करेंगे ये बड़ी योजना है जो देश के नौजवानों को किसानों को बेरोजगारों को बहुत पैमाने पर इसका समर्थन मिल सकेगा स्किल इंडिया प्रोग्राम स्किल गैप
skill placement is very important, madam. Who are getting the training, they are expecting that they will get employment in somewhere in some industries. That's why in Skill India program, madam, to success, to make it success, it's very important that skill initiatives must be tied up with the entrepreneurship promotion. The programs such as Startup India and Stand Up India programs madam, to fill the gap to skill placement. And also, madam, government has to spend huge money on this for, to train up 24 lakh logon ka training dene ke liye. Isiliye, madam, to build the partnership with private people, is it any sarkar ke man mein aisa vichar hai kya private partnership lane ka? जो हमारा लक्ष्य है वो अगले 3 वर्षों में लगभग 1 करोड़ नौजवानों को प्रशिक्षण देने का है। जो माननीय सदस्य सवाल पूछ रही है उसमें सबसे महत्वपूर्ण ये है कि कौशल विकास के माध्यम से जिन लोगों को हमें लक्ष्य बनाना है उनकी पहचान करनी एक बड़ी चुनौती थी, जिसका हम लोगों ने अपनी पूरी तैयारी की है। जो उन्होंने स्किल गैप की बात की है, मैं अध्यक्ष महोदय आपको सिर्फ बताना चाहूँगा कि देश में अगर आप देखेंगे तो अगर देश में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक अगर हम लकीर खींच लें तो ये महसूस होगा कि औसतन उद्योग वेस्टर्न इंडिया में स्थापित है और जो ह्यूमन रिसोर्स है वो ईस्टर्न इंडिया में स्थापित है। आज की तारीख में अगर आप मुझसे सवाल पूछें कि कल अगर मुझसे कोई कहे तो कल की सुबह 1 लाख स्विंग मशीन ऑपरेटर्स की जरूरत कोयम्बटोर और चेन्नई के पास है, लेकिन जो लोग इस काम को कर सकते हैं वो भारत के दूसरे भाग में अवस्थित हैं और जॉब कहीं और है। ये भी बड़ी चुनौती है कि उस जॉब को, उस स्किल गैप के असेसमेंट करके वैसे लोगों को जिनको थोड़े से हुनर दे करके इस बड़े कारखाने में लगाया जा सकता है। मोबिलिटी का सवाल उठता है, माइग्रेशन का सवाल उठता है, लेकिन डिमांड सप्लाई को मैच कराने की बड़ी जिम्मेवारी है। कुछ कौशल जो हमारे पश्चिम भारत में है, जो उत्तर भारत में है, और कुछ कौशल जो हमारे लोगों के बीच में, जैसे प्लम्बर बड़ी संख्या में उड़ीसा से निकल करके पूरे देश में जाते हैं, उसी प्रकार से कंस्ट्रक्शन वर्कर्स झारखंड से निकल करके बड़ी संख्या में जाते हैं। तो ये कुल निर्भर करता है कि ऐसे वर्कर्स की हम पहचान करें, उसको वही प्रशिक्षित करें और उसकी गुणवत्ता को बढ़ा करके उसकी आय में भी वृद्धि हो। ये हम कर रहे हैं और ये जो लक्ष्य है वो 24 लाख नहीं है, अब हम अगले 3-4 वर्षों में 1 करोड़ नौजवानों को इस प्रकार से प्रशिक्षण देंगे, जिसमें राज्य सरकारों की भी भागीदारी होगी। अभी को रिक्वेस्ट कर रही हूँ, यू प्लीज गो टू योर सीट, वॉट एवर यू वॉन्ट टू रेज आई विल अलाउ यू इन 0 आवर, बट नॉट इन क्वेश्चन आवर, प्लीज डोंट डिस्टर्ब क्वेश्चन आवर, आई विल अलाउ यू एवरीबडी, बट नॉट लाइक दिस अदरवाइज, नो आई एम सॉरी, प्लीज। श्री गोपाल कृष्णन। Honorable Speaker, Vanakkam. Before I raising the issue, I extended my sincere gratitude to my leader, Puratchi Thalavi Amma. I would like to ask to the minister, through you, madam, the whether the government any proposal to encourage skill development in agriculture related skill development and entrepreneurship among the young educated youth, madam. Thank you, madam. Madam, कृषि के क्षेत्र में एक बड़ा सवाल उठता है। कृषि मंत्रालय अपने आप एक्सटेंशन फार्मिंग और एक्सटेंशन ट्रेनिंग का काम करता है। इंग्लिश, लेकिन कृषि क्षेत्र में इंग्लिश था, सॉरी, द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर डज लॉट ऑफ एक्सटेंशन प्रोग्राम एज फार एज एग्रीकल्चर इज कंसर्न फॉर ट्रेनिंग दोज पीपल, बट ऑन अ स्पेसिफिक साइड एज फार एज एग्रीकल्चर इज कंसर्न, मैडम, द एग्रीकल्चर सेक्टर स्किल काउंसिल विच डील्स फ्रॉम राइट फ्रॉम गार्डनर्स टू पीपल हु हैव टू ऑपरेट ट्रैक्टर्स टू मोअर्स टू ऑल हार्वेस्टर्स एंड अदर थिंग्स, देर आर लॉट ऑफ स्किल्स इन्वॉल्व। आई हैव रिक्वेस्टेड द ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर एग्रीकल्चर दैट वी हैव लार्ज नंबर ऑफ कृषि फार्म्स अक्रॉस द कंट्री विच आर partially utilized and at some places they are underutilized. So what we are trying to do with this Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana, the people who are based in villages and where there is a huge infrastructure of Krishi Vikas Kendras, we will be utilizing. I have requested the Honorable Minister for Agriculture that agriculture skills which are in addition to agriculture per se, which involves other supporting activities as far as agriculture is concerned, and the country, across the country we have agricultural farms of the Krishi Vigyan Kendras which are
being utilized for many reasons, but since there is a space availability, we'll be using these Krishi Vikan kids, and we have made a request to profilerate the agricultural skills, and which is the largest employer in the country today. So, ma'am, there is a whole ecosystem as far as skills has been created, and the Honorable Prime Minister has very categorically said that all skilling which is taking across and which is not domain-oriented, it should be moved under one umbrella, and convergence is, which is the biggest challenge today. That was what we have achieved. And a span of 1.5 years when this ministry has been created, we have successfully created an ecosystem for skills and a language for skills which should be understandable by all. माननीय अध्यक्ष महोदय जी, केंद्र सरकार ने युवा को रोजगार देने के लिए कौशल्य विकास मंत्रालय की स्थापना की है, जबकि 12,000 करोड़ का बजट भी इस मंत्रालय को रखा है। मैं इस बारे में प्रधानमंत्री को धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को पूछना चाहता हूँ, जबकि 10वीं 12वीं कक्षा और 14 बरस के बाद कौशल्य विकास का प्रशिक्षण दिया जाता है, क्या यही शिक्षण शुरू के पाठ्यक्रम में 5वीं कक्षा से लेकर करने के लिए राज्य सरकार से इस विषय को पाठ्य पुस्तक क्रम में इस योजना को लाने के लिए कुछ सरकार का प्रावधान है? आपने जो सवाल किया है, शायद देश के प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री जी ने इस सवाल को पहले ही संबोधित किया है, और ये ऐसी अब ये कहना कि ये गलती हो गई, लेकिन पाठ्यक्रम में कौशल की भूमिका या कौशल का भाग होना, ये हमारे शिक्षा व्यवस्था में शुरू से ही होना चाहिए। लेकिन किसी कारणवश पिछले 68 वर्षों में हम लोगों ने स्किल को शिक्षा में ही निहित कर दिया। इसका परिणाम ये हुआ कि जितने बच्चों को, और दुनिया भर में 80% लोग जो स्कूल पास करते हैं वो कौशल की दिशा में जाते हैं, मात्र 20% ऐसे लोग होते हैं जो उच्च शिक्षा के लिए जाते हैं। लेकिन हमारे भारतवर्ष में व्यवस्था जिस कारण से भी स्थापित हुई, हर आदमी चाहता है कि मैं शिक्षित हूँ, IA हूँ, BA हूँ, MA हूँ, PhD हूँ। इसका परिणाम होता है कि कौशल की पहचान जो स्कूल के स्तर पर होना चाहिए, हम लोगों ने मिनिस्ट्री ऑफ HRD से बातचीत की है, और कई सारे पाठ्यक्रमों में ये प्रयास कर रहे हैं कि कौशल की शिक्षा स्कूल के पाठ्यक्रम में सम्मिलित हो, और एंटरप्रेन्योरशिप भी पाठ्यक्रम में सम्मिलित हो। ये बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि ये लैंग्वेज 2 दिनों में नहीं बन सकता है। पूरे देश को, राज्य सरकारों को, पूरे शिक्षा जगत को इसमें मिल करके ये तय करना होगा। आज जो हम लोग कह रहे हैं वो क्षणिक रूप से जो बैकलॉग क्रिएट हो गया है, उस बैकलॉग को पूरा करने का प्रयास कर ले, लेकिन इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट पे इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस एंड इन पर्टिकुलरली इन स्कूल्स एंड प्राइमरी स्कूल्स एंड सेकेंडरी स्कूल्स, स्किल शुड हैव बीन अ पार्ट ऑफ अ विजिबल प्लेटफॉर्म, अ विजिबल प्लेटफॉर्म। वी आर ट्राइंग टू डू इट। सो फार वी हैव पिक्ड अप दिस एक्सपेरिमेंट विद 3,000 स्कूल्स, मोस्ट ऑफ देम आर इन हरियाणा, बट वी स्टिल हैव टू गो अ लॉन्ग वे, एंड आई एम श्योर द HRD मिनिस्टर टुडे हु हैज रिकॉग्नाइज्ड द पॉसिबिलिटीज and the requirement to add skills to the education system through the and to recognize the national skills qualification framework is one of the biggest challenge, man. So main mananiya sadasya ko aashwast karna chahta hu, iski shuruaat ho gayi hai, varshon chhoot gaye hain, desh ke pradhanmantri ji ne spasht kaha hai ye skooli shiksha ka ek bhag hona chahiye, humne shuruaat ki hai, thoda waqt lagega, jo 67 varsh mein nahi pura kiya ja saka uski shuruaat humne acche taur par kiya hai, aur hame vishwas hai, kyunki jab manav संसाधन मंत्रालय का नाम मानव संसाधन रखा गया था तो उसमें कौशल था, लेकिन क्योंकि कौशल उसमें विकसित नहीं हो पाया मानव संसाधन मंत्रालय के अंतर्गत, इसीलिए उसे अलग मंत्रालय बना करके इस काम को स्पेसिफिक इस काम पर बल देने का प्रयास किया गया है। तो आज भी एजुकेशन का काम एजुकेशन मिनिस्ट्री करती है, लेकिन जो ह्यूमन रिसोर्स बढ़ाने का काम है वो देश के प्रधानमंत्री ने शिक्षा के साथ मिलकर के कौशल विकास मंत्रालय को दिया है। और एक सवाल जो बार बार माननीय सदस्य उठाते हैं कि रोजगार, हमने ये तय कर दिया है कि रोजगार 15 साल की स्कूली शिक्षा में अगर रोजगार ना मिल सके तो 5 महीने और 6 महीने की ट्रेनिंग में रोजगार तुरंत दिलाना संभव नहीं होता है, लेकिन हम लोगों ने जो मॉड्यूल्स क्रिएट किए हैं
उसमें ट्रेनिंग के बाद एम्प्लॉयमेंट से लिंक करने का प्रयास किया है। अगर वो स्वरोजगार नहीं मिल पाता है तो वो स्वरोजगार की तरफ बढ़ सके, मुद्रा बैंक से उसे हम जोड़ सके, ये सारी रूपरेखा तैयार की गई है और हम लोग बड़े पैमाने पर इन तमाम स्कीम्स को रोल आउट कर रहे हैं जो माननीय सांसद सदस्यों के क्षेत्र में भी प्रत्यक्ष रूप से दिखने लगे। क्वेश्चन नंबर 42